हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपका बायोलॉजी मुकेश क्लासेस में स्वागत है। आज आपने थंबनेल देख लिया होगा कि हम राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान से एमसीक्यू जितने भी बन सकते हैं या पूर्व परीक्षाओं में बने हैं उन सबको लेकर आए हैं। यदि हमारा वीडियो ये आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ड्रा हो रहा होगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में स्थित है। कहाँ? असम में स्थित है। हमने आपको इसकी ट्रिक अपने वीडियो में प्रोवाइड करा रखी है कि जो असम में आसमा की शादी एक काजी करवाता है, तो इससे हमने आपको ट्रिक को कंप्लीट करवाया है। और यहाँ पे मध्य प्रदेश दिख रहा है पहला ऑप्शंस, तो मध्य प्रदेश जो दिख रहा है वो इसकी ट्रिक हमने बताई है कि कान्हा जी पेड़ के मध्य में बैठ करके बाँसुरी बजाते हैं। और झारखंड दिख रहा है, तो इसकी हमने ट्रिक बताई है कि जो 1000 रुपये की एक बाग होती है उसमें बहुत सारे जो होते हैं आम लगे होते हैं उनको झाड़ दिया जाता है। और उत्तराखंड से हमने बताई है कि कोई व्यक्ति जब आम को खाता है तो आप उससे उत्तर पूछेंगे तो वो बताएगा कि बहुत मीठा है, और उस आम को कहाँ पकाया गया होता है? कार्बेट में। तो उत्तराखंड में कौन सा नेशनल पार्क स्थित है? कार्बेट नेशनल पार्क स्थित है। हमारे वीडियो में जाकर देखिए, वहाँ पर आपको ये बहुत ईजिली तरीके से सॉल्व क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो आपने इजीली तरीके से आंसर दे दिया होगा कि कार्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में स्थित है, क्योंकि अभी हमने बताया था कार्बेट में पका हुआ आम बच्चे से पूछोगे कैसा खाने में लगा था, उसका उत्तर होगा बहुत मीठा है। और यहाँ पर पहला विकल्प आपको शो हो रहा होगा उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। और तीसरा विकल्प आपको शो होगा राजस्थान, तो राजस्थान जो है यहाँ पे सरसिका राष्ट्रीय उद्यान है। हमने बताया था कि राजस्थान की महिलाएं जब साड़ी पहन करके डांस करती हैं तो उनकी साड़ी जो होती है वो सरक जाती है। चौथा विकल्प आपको हमने बताया है कि कर्नाटक, कर्नाटक में क्या होते हैं, जितनी भी महिलाएँ कर्नाटक की होती हैं वो अपने नाक में एक बांदा पहनता, पुराने ज़माने में चलता था बांदा, वो बांदा जब पहनती थी तो उनको क्या होता था, दर्द होने लगता था, तो वो अपने आप से दर्द को नहीं रोक पाती थी और रोने लगती थी, जिससे लोग वहाँ के कहते थे नाटक कर रही हो। तो कर्नाटक से बना, नाटक से बना कर्नाटक। और कर्नाटक जो है वहाँ पे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऐसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में स्थित। अब बताइए, एक बंदा जा रहा हो और रात हो गई हो, उसके सामने एक गड्ढा पड़ जाता है, तो वो उस गड्ढे में पेड़ लगा के गिर जाएगा, तो क्यों? क्योंकि रात है, तो गुजर गया पेड़, जैसे उसका पेड़ लगा और वो गुजर गया, तो इसलिए आप याद रखेंगे गिर से गुजरात। दूसरा विकल्प आपको शो हो रहा होगा कि मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में हमने अभी इससे पहले आपको बताया है कि कान्हा जी जो है किसी पेड़ के मध्य में बैठ करके बांसुरी बजाते थे, इससे हमने ये विकल्प याद कर लिया था। नेक्स्ट है लखीमपुर खीरी, तो लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है, आपको ये याद रखना है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है। तो जो कान्हा राष्ट्रीय पार्क है आपने इजीली तरीके से दे दिया होगा इसका आंसर कि ये मध्य प्रदेश में है, हमने अभी बताया। बकाया इसके विकल्प जो है यहाँ पे केरल, जो केरल है यहाँ पे आपको पेरियार नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, तो ये आप याद रखेंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सरसिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो हमने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि राजस्थान की जो महिलाएं हैं वो जब डांस करती हैं तो उनकी जो साड़ी होती है वो सरक जाती है, और क्योंकि डांस करने के उपरांत जो है साड़ी वो रुकती ही नहीं है सर के ऊपर, तो यहाँ पे साड़ी सरक जाती है, तो इसलिए बना इसका उत्तर राजस्थान। क्या बना? राजस्थान। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो आपने इसका उत्तर इजीली तरीके से दे दिया होगा, क्योंकि जब महिलाएं बांदा पहनती हैं तो वो नाटक करने लगती हैं, तो नाटक से बना कर्नाटक। तो यहाँ पे आपने इसका विकल्प ए को टिक कर लिया होगा। बकाया विकल्प जो है केरल, अभी हमने बताया था कि केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, और लखनऊ में चिड़ियाघर स्थित है। ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो आप इसका इजीली तरीके से आंसर दे पा रहे होंगे कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है वो केरल में स्थित है। कहाँ? केरल में। बकाया असम में जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, और उत्तराखंड में कार्बेट नेशनल पार्क स्थित है, जो कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ इस जो पार्क है इसके मध्य से राम गंगा बहती है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो आपने इसका इजीली तरीके से आंसर दे दिया होगा कि दुधवा नेशनल पार्क जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। और बी, असम में, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कौन सा? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। हमने बताया था गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये एशियाई शेरों के लिए फेमस है, आप ये भी बात याद रखेंगे। और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन का जो है पार्क स्थित है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, आपने इसका इजीली तरीके से आंसर दे दिया होगा कि जो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में स्थित है। और बकाया इसके जो अन्य विकल्प हैं उनको हम देख लेते हैं। उत्तराखंड में हमने बताया कि कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। और अमेरिका जो है, अमेरिका में प्रथम येलोस्टोन नेशनल पार्क बनाया गया था जो कि 1972 में बनाया गया था और ये विश्व का प्रथम नेशनल पार्क था। यहाँ पे विकल्प में देख मणिपुर दिया गया है, तो मणिपुर में केमलाम जाओ एकमात्र ऐसा उद्यान है जो कि तैरता हुआ उद्यान है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में स्थित है। कहाँ? असम में। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में स्थित है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। बकाया इसके जो विकल्प हैं, मध्य प्रदेश में हमने कहा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, गुजरात में हमने कहा गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, और उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। तो राष्ट्रीय वन जीवन अधिनियम जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1972 में। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे, 1972 में राष्ट्रीय वन जीवन अधिनियम की शुरुआत हुई थी। 1972 में राष्ट्रीय वन जीवन अधिनियम की शुरुआत हुई थी। और दूसरा क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि 1936 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट नेशनल पार्क था। कौन सा? कॉर्बेट नेशनल पार्क। कब? 1936 में। तो यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।